जमेगी। ये हाँ बहुत ठंडा पड़ता है, गर्म पानी डाल के आया ना। हाँ उसके बाद भी जम गई आइस। ये भी जम गया। वाह वेदर का ब्लेड भी जम गया, पूरी आइस जमी हुई है बाहर गाड़ी पे चारों तरफ। वाइपर भी खराब हो गया। देखो देखो गर्म है। हेलो ठीक है मैं निकल रहा हूँ दिरांग के लिए। सुबह 4:30 बज रहे हैं, चारों तरफ आइस जमी हुई है गाड़ी पे। अभी गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है, गर्म पानी डाला फिर वापस आइस जम गई, बार बार शीशे पे साफ भी नहीं होता वो। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे की लेफ्ट साइड वाली खिड़की खुली हुई है और ये बीच की राइट साइड वाली खिड़की खुली हुई है। इन लोगों को आ रही है उल्टी काफ़ी देर से, सुबह के 8 बज रहे हैं और ऐसी तैसी कर देने वाली ठंड है और पाँव जम रहे हैं ठंड से मेरे, क्या कर सकते हैं। मुझे लेदर बूट्स भी कैरी करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोशन सिकनेस की टैबलेट हमेशा अपने साथ रखें, स्पेशली जब आप पहाड़ों पर इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो सूमो पे या बस में। फाइनली कुछ ही मिनटों में हम लोग सेलापास पहुंचने वाले हैं और ये देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी फ्रेश स्नो गिरी है। सेलापास की हाइट समुद्र तल से लगभग 14,000 फुट है। इतनी ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना, उल्टी होना और सर में दर्द होना, ये सिम्टम्स लोगों में अक्सर दिखाई देते हैं। ये इलाका कहलाता है जांग, जो कि यहाँ के नोमैड लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी नोमैड्स हैं जो याक चलाते हैं, यहाँ बाजू में बैठे भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे जो भी याक और भैंसे टाइप के जानवर चलाते हैं उनको नोमैड्स बोलते हैं। गाय बकरी चराने वालों को नोमैड्स नहीं बोलते हैं, वो शेफर्ड्स होते हैं। अगर हम बात करें सेलापास की, तो सेलापास अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कीमेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग के बीच का बॉर्डर है। बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, जमी हुई नदी है बाजू में, आर्मी के बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं और काफी सुंदर लग रहा है देखने में। अगर हम बात करें सेलापास या सेला लेक के नाम की, तो इसका नाम पड़ा एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट लेडी के नाम पर, जो कि एक सोल्जर को डेली खाना खिलाती थी और उन सोल्जर का नाम था जसवंत सिंह रावत। ये बात है 1962 इंडो चाइना वॉर के टाइम। उस टाइम अनफॉर्चुनेटली वो सोल्जर मारे गए थे, तो उनके मारे जाने के दुख में इन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। उनका नाम था सेला। और अब हम पहुंच चुके हैं सेलापास। ये है सेला लेक। क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। दिस इज सेला लेक और अभी सेला गेट आने वाला है। इस लेक के एंड में सेला गेट आता है, जहाँ से हम लोग सेला पास के लिए एंट्री करते हैं और तवांग के लिए आगे बढ़ते हैं। सच बताऊं तो जो रियल आंखों से मैंने इसको इसकी ब्यूटी देखी है, कैमरे में उसका 10% भी नजर नहीं आ रहा है। ये हम लोग तो बादलों में तैर रहे हैं और ये भैया मेरी फोन से फोटो लेने में हेल्प कर रहे हैं। वाह यार मस्त। ये देख लो भाइयों, इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड में डीजल या पेट्रोल भरा जाता है और डीजल का कलर देख लो एकदम पानी जैसा हल्का ब्लूइश। वैसे तो ज्यादा लोगों को पता होगा पर नहीं पता तो देख लो। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू सी लाइक डीजल भर रहे हैं, मस्त डीजल की बदबू आती है वैसे तो,
लेकिन इतनी ठंड में काफ़ी अच्छा लग रहा था, नाक खुल गई। एमरजेंसी डीजल ड्रिल। अभी हम लोग करीब 6000 फीट की हाइट पे हैं और नीचे आते ही देख लो लैंडस्केप चेंज हो गया। बॉम टीला जस्ट क्रॉस किया है, संतरे उगा रखे दिरंग में। मुझे घूमते हुए पूरे एक घंटा हो गया और ढंग का होटल नहीं मिल रहा है सही रेट में। अभी पूरा मार्केट बंद है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली यहाँ के एमएलए ने जितने भी शॉप्स यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उन सबको एक किटी दी है, तो पार्टी चल रही है बढ़िया, इसलिए सारी दुकानें बंद है, पूरा मार्केट बंद है। फाइनली मुझे होटल रूम मिल गया है, अपने इस ट्रिप का अभी तक का सबसे महंगा रूम 1000 रुपीस का। बाकी मैं या तो डॉम्स में रुका हूँ या लॉजेस में रुका हूँ, तो ये रूम बहुत अच्छा है। यहाँ वैसे बहुत महंगे महंगे हैं सारे, ये भी 1500 का है लेकिन भैया ने डिस्काउंट कर दिया। और ये वॉशरूम है क्लीन एकदम, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब दिरंग से मैं सोच रहा हूँ कल ही निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें देखने का, एक तो वैली है वो मैं फ़िलहाल अभी देखने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, और एक हॉट वाटर स्प्रिंग है अगर होता है तो अभी दिन में जाके हॉट वाटर स्प्रिंग देख लेता हूँ। बाकी एक टाउन है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ धूप में, और जैसे ही रूम में आया तो ठंड लगने लग गई। ये प्रॉब्लम होता है पसीने आने के बाद, रूम में आते हैं हल्की ठंडी में तो अपनी बॉडी में से मिनरल्स निकलते हैं, पानी निकलता है और पसीना सूखना चालू होता है, उस वजह से बहुत तेज़ ठंड लगती है। ब्यूटीफुल लेक आती है सेला लेक, जो कि आपको इस समय जमी भी मिलेगी और उस पूरे एरिया में आपको बर्फ़ मिलेगी, और अगर आपकी किस्मत ख़राब रही तो वहाँ बर्फ़ थोड़ी स्नोफॉल ज़्यादा होता है, 6-7 फुट की स्नो रहती ही है। इस बार थोड़ी कम थी, मेरी किस्मत अच्छी रही, कई गाड़ियाँ ख़राब मिलती हैं वहाँ पे, जाम लगता है लंबा चौड़ा, लेकिन इस बार ऐसा टचवुड कुछ नहीं हुआ। तो मुझे तवांग से वापस आके यहाँ रुकने का मेन पर्पज़ था कि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। देखो सच्ची बात बताऊँ, ठंड मेरे पाँव गर्म ही नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं उस तैयारी से गया ही नहीं था, पाँव के अंदर कोई इनर वगैरह कुछ नहीं पहना था, यही पजामा पहन के चला गया था वहाँ पे। नाइट में -11 डिग्री -12 डिग्री टेम्परेचर था, तो कुछ गलत हो जाता। उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ बॉमडिला क्या बोलते हैं, यहाँ दिरंग में आके थोड़ा एक दिन रेस्ट करके फिर मैं गुवाहाटी चल जाऊँगा। तो ये मुझे अपडेट आपको देनी थी। और जो सेला पास की हाइट है वो 13,700 या 13,800 फुट की ऊँचाई पर है वो, तो अगर आप सुमो में भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सुमो में, जबकि हीटर चल रहा था वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। बाकी अब कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह मेरा सुमो है गुवाहाटी के लिए। गुड नाइट।